गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं केम्प्टी टॉक्स। मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आज आपके सामने जिस डिस्ट्रिक्ट की बात लेकर आया हूं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उन्नाव। एक बहुत खूबसूरत जगह, हिस्टोरिकल जगह और लिटरेरी फील्ड है वो। एक बैरियर्स की तो फील्ड है ये, साथ ही साथ एक लिटरेरी फील्ड है। मैं लिटरेरी फील्ड से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि कैसे है, क्यों है। मैं बता दूँ, अगर मैं उन्नाव की बात करते करते गया प्रसाद शुक्ला जी की बात करूं तो कुछ गलत नहीं होगा। गया प्रसाद शुक्ला जी वो महान लेखक, वो महान कवि हैं द्विवेदी युग के, जिन्होंने ना जाने कितने उपन्यास, कहानियां, प्रसंग, क्या क्या लिखा था। और उनकी एक कविता है, मैं पहले उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों उन्नाव को गया प्रसाद जी से जोड़ा जाता है। उनकी कविता है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसथार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसथार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये बात सत्य है, कटु सत्य है। इस महान आलोचक हिंदी कवि, हिंदी लेखक का जन्म उन्नाव में हुआ था। उन्नाव के एक छोटे से गाँव में हुआ था, वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े और पूरी देश पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, और अपना ही नहीं उन्नाव का नाम भी उन्होंने रोशन किया। ये तो उन्नाव की एक लिटरेरी बात हो गई। अब उन्नाव को अगर हिस्ट्री से जोड़ना हो, या लैंड ऑफ बैरियर्स कहना हो, लैंड ऑफ लिटरेचर कहना हो, लैंड ऑफ, उसे हम कहें कि वो लैंड ऑफ बैरियर्स है, लैंड ऑफ लिटरेचर है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि 1857 की लड़ाई में लैंड ऑफ स्वॉर्ड भी कहा जाता है उसे। आपको पता है लैंड ऑफ स्वॉर्ड एंड पेन कहा जाता है उन्नाव को। उन्नाव इज वेल नोन फॉर इट्स नेम एज लैंड ऑफ स्वॉर्ड एंड पेन, यानी वो जमीन, वो धरती जिसका ताल्लुक रिश्ता पेन से भी है, यानी कलम से भी है और तलवार से भी है। कलम से किस तरह है मैंने बता दिया। इतना महान कवि जब वहां जन्म लिया तो रिश्ता सीधे सीधे पेन से जुड़ गया, कलम से जुड़ गया, लेखन से जुड़ गया। और 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें एक इंसान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, राम बख्श सिंह, फ्रीडम फाइटर थे। 1857 की लड़ाई में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका एक किला है उन्नाव में, ओल्ड फोर्ट, टूट गया है अब वो फोर्ट फिलहाल, और वो उसका मलबा बचा हुआ है। उस मलबे के नीचे, 2013 की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर में 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया, एक एग्जीबिशन कराया, खुदाई कराई वहां पर उस फोर्ट के नीचे, मलबे के नीचे जमीन में। तो वहां से उन्हें 1,000 टन का गोल्ड डिपॉजिट प्राप्त हुआ। कमाल की बात है, 1,000 टन गोल्ड डिपॉजिट वॉज फाउंड देयर। 2013 की अक्टूबर की बात बता रहा हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एक्सिबिशन कराया था। इसीलिए उस इंसिडेंट को कहा जाता है गोल्ड ट्रेजर इंसिडेंट, उसका नाम ही यही है। अब यही फ्रीडम फाइटर जब उन्नाव से होगा, राम बख्श जी की बात कर रहा हूं, और ये राम बख्श जी के साथ साथ और भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्नाव से, और साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटिंग की लड़ाई हुई थी वो भी उन्नाव से होते हुए गुजरी थी। यानी आपको उसकी झलक, उसका चैप्टर आप पढ़ेंगे 1857 का, तो उसमें उन्नाव का जिक्र जरूर आएगा। तो उन्नाव एक वॉरियर्स की भी जगह थी, एक लैंड ऑफ सॉल्ट कही जाती है, लैंड ऑफ सॉल्ट एंड पेन कही जाती है। कितनी बड़ी बात है। अगर यहाँ की हिस्ट्री में और जाएं, थोड़ा पीछे जाते हैं, 636 बीसी में चले जाते हैं। 636 बीसी में ह्यूएन त्सांग, नाम सुना होगा, ये काफी मशहूर चाइनीज ट्रेवलर हैं, जिनका चाइनी हम लोग जब पढ़ते हैं लिटरेचर, या जब पढ़ते हैं हम लोग हिस्टोरिकल लिटरेचर, तो उसमें इनका नाम आता है और हिस्ट्री में भी इनका नाम आता है। ये चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन त्सांग, ये
3 महीना इन्होंने स्टे किया था कन्नौज में जब वो ट्रेवल कर रहे थे पूरा भारत, एंड 3 मंथ स्टे ऑफ व्हेन द सांग वाज इन कन्नौज, एंड आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। बहुत महत्वपूर्ण बात है, थोड़ी 3 महीना चाइना से आकर वहां रुक कर भ्रमण करे, देखे सुने उसे, पढ़े लिखे। तो 1857 का भी सीधा ताल्लुक हमारे उन्नाव से है, और साथ ही साथ ये जो चाइनीज ट्रेवलर हैं इनका भी सीधा ताल्लुक उन्नाव से है। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 308,368 यहाँ की पॉपुलेशन है, और ये 308,868 जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन आपको बता दूँ कि ये सिर्फ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग इस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा मंगोलिया नेशन, पूरा मंगोलिया कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, मंगोलिया कंट्री है, मंगोलिया कंट्री पूरा का पूरा उसकी जितनी पॉपुलेशन उस समय थी उतनी पॉपुलेशन उन्नाव की है। तो आप सोचिए, यहाँ भारत की यही तो खासियत है, यहाँ यही सब उसकी खासियत है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी यहाँ पॉपुलेशन होती है बाहर के देशों में उतनी पॉपुलेशन होती है, देशों में इक्वल अप्रॉक्स इक्वल। यहाँ का लिटरेसी रेट बढ़िया है, 68.17%, बहुत बढ़िया रेट है, मतलब यहाँ पर लिटरेसी है। हाँ एक कमी है थोड़ा सा कि अभी भी ये बैकवर्ड एरियाज में थोड़ा गिना जाता है, इसे बैकवर्ड ग्रांट फंड से फंड मिलता है सरकार की तरफ से। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ की जो यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, यानी मेल एंड फीमेल का जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है वो बहुत गजब का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 0.901% सेक्स रेशियो है यहाँ का, 0.0 से मैं शुरू कर रहा हूँ, सोचिए मतलब लगभग कुछ नहीं, मेल इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल इज इक्वल टू मेल, कोई डोमिनेंसी नहीं यहाँ, आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी बात। तो वो इंसिडेंट याद रखिए, 1857 की लड़ाई याद रखिए, और महान कवि लेखक हमारे जिनका नाम है गया प्रसाद शुक्ला जी, इनका नाम याद रखिए, इनकी कविता याद रखिए, उन्नाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। उन्नाव को लैंड ऑफ स्वॉर्ड एंड पेन कहा जाता है इन्हीं सब कारणों की वजह से जो अभी मैंने गिनाए हैं। यहाँ पे मेनली भाषा जो बोली जाती है वो है हमारी हिंदी, एज यू वेरी वेल नो, हिंदी के बाद जो लैंग्वेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है उर्दू, उर्दू के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है तो वो है अवध, क्योंकि आपको पता है अवध का उन्नाव से सीधा रिश्ता है, अवध के नवाब, समझ ही रहे होंगे, हिस्ट्री में जाइए क्या बताऊं। तो तीसरी लैंग्वेज यहाँ जो बोली जाती है वो है अवध, पहली लैंग्वेज है हिंदी, और हिंदी के बोलने वालों की यहाँ पर जो परसेंट है वो है 97%, यानी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2% लोग यहाँ उर्दू बोलते हैं, और लगभग 1%, 1% पूरा भी नहीं, 0.something 1% के आसपास वो बोलते हैं अवध लैंग्वेज, यानी अवध लैंग्वेज यहाँ पर खोती हुई चली जा रही है, इसको यहाँ पे आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत अच्छा कदम होगा सरकार की तरफ से, हम जैसे लिटरेरी लोगों की तरफ से, कि अगर आप जैसे लोगों की तरफ से, कि अगर इसको आगे बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके अवध लैंग्वेज, क्योंकि अवधी लैंग्वेज में हम काफ़ी सारे श्लोक दोहा ये सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, मज़ेदार लैंग्वेज है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का इतिहास में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, लिटरेरी फील्ड में है, और प्लस फ्रीडम पाने की जो एक राह थी उसमें कितना बड़ा रोल है। आपको इतनी जानकारी उन्नाव के लिए मिल गई, और अब मैं अपनी इस बात को विराम दे रहा हूँ, अपनी आवाज़ को विराम दे रहा हूँ, अपने बात को विराम दे रहा हूँ, सिर्फ फिर से उसी कविता के साथ, उसी महान कवि लेखक उन्नाव के लेखक की कविता की बात के साथ, कि उन्होंने कहा था कि वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है
जिसमें स्वदेश का प्यार। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए KMT टॉक्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।